ऑलराइट जी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच पे बाहर, और हम लोग आज लंच पे जा रहे हैं पोमो। तो हम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरी टीम भी है। तो अब हम पोमो पहुँच चुके हैं, और अंदर के फील्स में अब आपको चेक कराता हूँ। किचन में इन्होंने मुझे जाने अलाउ नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा बाहर से ही खड़े होकर आपके लिए वीडियो बना लूं। ये बॉय चीज़ के पीसेस को क्रश कर रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ा सा चीज़ का ब्लॉक पड़ा है, एंड आई एम ग्लैड कि इसने ग्लव्स पहने हुए हैं। मैं बाहर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था कि इनके एक मैनेजर आए, और उन्होंने मुझे बोला कि सर, किचन की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, आप ऐसा करें, बाहर जो हमारा टॉपिंग एंड बेकिंग एरिया है, आप वहाँ की वीडियो बना लें। सो आई फॉलोड द इंस्ट्रक्शन एंड नाउ आई एम हियर। यहाँ आके मैंने एक बात नोट की कि किचन में तो सबने ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन इनके बेकिंग एंड टॉपिंग एरिया में शायद हाइजीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टार्टर सर्व हो चुका है, और अब हमारा मेन कोर्स यानी कि पिज्जाज भी आना स्टार्ट हो गए हैं। Once we're done with our food, मैं आपको अपनी टीम के रिव्यू सुनाता हूँ। ये उमर है। अच्छा उमर, आपको कौन सा फ्लेवर सबसे अच्छा लगा? मशरूम देखिए, लड़के अंग्रेजी खत्म नहीं हो रही है। जैमी है, लेकिन आप नहीं, तू फ्लेवर बता दे मेरे से, मत ले रिव्यू आप प्लीज। ये दो लोग भाग गए, देखे एक हुसैन और एक हुसैन। बोले मतलब महंगा। Alright, it's time to leave. तो अभी मैं आपको और भी कुछ honest reviews सुनाता हूँ। आप बताएं आप क्या honest review? भाई सीन ये है कि अगर आपको बॉम्बे का पिज्जा खाना, हम लोगों ने basically 5 pizzas order किए थे different flavors के, और 2-3 शायद soft drinks order की थी, और 2 lemonade order किए थे, और total bill आया था ये।